ट्रेनिंग में बहुत सारी वक्त ऐसे आते हैं जब बंदा समझता है कि बस अब बहुत हो गई। जब आपने यकिन तालीम स्टार्ट की तो उस ज़माने में तो हर तरफ इस तरह आजकल जो बड़े बड़े स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल भी नहीं हैं। तो तालीम का सफ़र आपका किस तरह के स्कूल से हुआ था मेरे गांव में <clears throat> उस वक्त एक प्राइमरी स्कूल था प्राइमरी स्कूल और टाट जो जमा टाट वाले स्कूल से और पाँचवीं जब मैं कर ली तो उसके बाद मैं हमारे गांव के पास चार मील दूर एक हाई स्कूल था ठीक है और कभी ट्रेन पे मैं जाता था कभी साइकिल पे जाता था कभी पैदल जाता था अच्छा तो वहाँ मतलब है आ, हमने एबीसी छठी क्लास में सीखी है उस जमाने में छठी क्लास में एबीसी आती थी फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 1967 में ए, मैंने इम्तहान दिया मेरे बड़े भाई थे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे किडट कॉलेज के लिए तो मैं किडेट कॉलेज कोहाट के लिए सिलेक्ट हो गया ठीक है और वालदेन उस जमाने में हमारी फ़ीस दो सौ होती थी सही तो स्कूल के ज़माने में आप कुछ शरारती बच्चे हुआ करते थे सज़ा शजा बाप को मिलती थी कि नहीं शरीफ से मेरा ख्याल है मैं को उन शरारती लोगों में से नहीं था नहीं था नहीं नहीं मैं कोई इस तरह का नहीं था खेल कूद में हम क्रिकेट खेलते थे या पढ़ाई में जो भी था लेकिन कोई बहुत ज्यादा मतलब मार्शा तो पड़ती थी लेकिन एक मैं बात बताऊँ आपको कि आज तक मुझे ये याद नहीं है कि मेरे वाल साहब ने कभी गुस्से में डांटा अच्छा ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि वो तो शायद फिर इसका मतलब है कि ज़्यादा शरारतें नहीं करते होंगे तो नहीं डांटा होगा उन्होंने तो वालदा से अलबत् डांट पड़ी अच्छा। कई बार पड़ी ठीक लेकिन नॉट रील ठीक है तो वी स्कूल तो का कैडेट कॉलेज का, का हो गया आर्मी के अंदर आपने स्टार्ट किया अपना करियर तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे ना और भी यूथ यंग लोग होंगे तो आप उनसे आगे आगे होते गए परफॉर्मेंस के हिसाब से देट वाई कि आप फिर जाके जर्नल तक पहुँचे जी मैं जब आ, हम थे ना किड कॉलेज कोहाट में तो उस ज़माने में आप लोगों तो थे नहीं तो ये सून आफ्टर 71 वन वॉर की बात कर रहा हूँ अच्छा, 72 में हमने ज्वाइन किया प्रोसेस तो पहले से शुरू हो गया था तो जब ये ईस्ट पाकिस्तान वाला डिग हुआ तो हमने अप्लाई किया हुआ था उस वक्त नेवी के लिए तो मैं एक और बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हम तीन चार लोग थे हमने जाके जब भर्ती करने के लिए तो हमने कहा हमने नेवी में नहीं जाना अच्छा <laughs> <थीक> <laughs> क्योंकि पता कुछ नहीं था ना हमें नेवी के बारे में लेकिन वो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने फिर हमें बुलाया उन्होंने कहा कि नहीं नेवी बहुत अच्छी है और इससे ज़्यादा जो हमारे नेवी के ऑफिसर उस वक्त आए थे उन्होंने एक जो बात की वो बड़ी अहम थी उन्होंने कहा बेटा मैं नेवी में सारी ज़िंदगी गुजारी है और अगर नेवी अच्छी सर्विस ना होती तो मैं अपने बेटे को नहीं भेजता मेरा बेटा भी नेवी में है तो हमने फिर नेवी के लिए साइन किया नेवल अकेडमी में चले गए तो नेवल अकेडमी जिंदगी बड़ी टफ होती है कराची हमारे लिए नई जगह थी वो कहते हैं कि कश्ती के अंदर वो जो बोट होता है उसमें बहुत सारा टाइम गुजारना पड़ता है पानी के अंदर जी जी जी। किस तरह का तजुर्बा होता है कितना हिस्सा रहना पड़ता है ये तो बहुत बार हमें शुरू में क्या कहते हैं नेवल एकेडमी तो मनोड़ा में है लेकिन ये समंदर पे जाना ये ट्रेनिंग करना और सच्ची बात बताऊँ आपको समंदर थोड़ा सा हिलने लग जाए तो बंदे को तबीयत ख़राब होना उल्टियाँ आना ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है ये भी हमने देखा और क्या कहते हैं जो आपने कहा कि अल्लाह का करम मैं समझता हूँ कि शुरू के से ही क्योंकि पढ़ाई ने भी में बहुत होती है तो पढ़ाई और उसके साथ साथ अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैं आई वॉज लीडिंग इन माई क्लास ऑफकोर्स मेरे से भी अच्छे थे लोग लेकिन वो कई बार होता है ना कि तो अल्लाह का करम रहा फिर इसी तरह मैं जब अपनी बेसिक ट्रेनिंग के बाद सिलेक्शन हुई मैं जब इनको नहीं। नहीं। बता रहा था कि मैं रॉयल नेवल कॉलेज यू के लिए सिलेक्ट हुआ अच्छा तो उधर अच्छा उसके लिए क्या कोई कोई खास क्राइटेरिया है क्राइटेरिया उसका ये होता है कि आपने जो जब अकेडमी में काम किया है उसकी बुनियाद पे और फिर नेवल हेड क्वार्टर्स डिसाइड करता है कि कौन कौन बचे एंड इनवेबली दे पिक अप द टॉक हैं तो वो मौक़ा मिला और उसके बाद फिर सर्विस में आके जहाज़ों पे बड़ा मौका मिला काम करने का और मुख्तलफ ऑबियसली मैं कहता हूँ कि कैडेट से शुरू हो के एक बहुत लंबा सफ़र है एडमल तक जाने में चालीस साल लगते हैं तो ये इसमें बड़े अप्स एंड डाउन भी आते हैं वाक़ आपके ये तीन हिस्सों में अगर इसको करें डिवाइड एक आपका शुरू का तालीम के दौरान कोई ऐसा वाक्य जो अगर आपको अभी तक याद हो एक जो आपकी फ़ौज के अंदर आ, ट्रेनिंग के दौरान एक फिर पोस्ट आपकी ट्रेनिंग जब आप सर्विस के अंदर थे कोई ऐसा वाक्य जो हमारे नाजन के साथ शेयर करना चाहें कोई अगर याद आ रहा है आ, अपनी ट्रेनिंग के वक्त तो मैं आ, वाक्य तो बहुत हुए जिनको, जिनको लेकिन वारी तो नहीं लिखते थे मैं नहीं ये बस इधर ही ज़्यादातर है और डायरी के कुछ लोगों का कभी बीच में लिखी भी हाँ। बीच में फिर छोड़ उछाड़ दी और हाँ। उसमें लेकिन ट्रेनिंग में बहुत सारे वक्त ऐसे आते हैं जब बंदा समझता है कि बस अब बहुत हो गई फ़ॉर एग्जांपल ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि समंदर पे जाना सी सिकनेस होना और तो एक वक्त ऐसा भी आया कि जहन में आता है कि यार ये छोड़ो पड़े तो मेरे बड़े भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे वो मुझे मिलने के लिए आए कराची में तो उन्होंने इससे पहले अच्छा क्रेडिट कॉलेज में भी ऐसे आया कि वो तो सवेरे सवेरे जगा देते हैं रात तक पढ़ाई भी करनी पड़ती है तो मेरे वालिद साहब आए तो अच्छा मेरी सिलेक्शन क्रेडिट कॉलेज को हाट में हुई और एक पी कॉलेज लो टोपा में हुई बारह तेरह साल उम्र होती है तो बंदा कहता है यार ये बहुत ही जान छुड़ाएं इधर से तो मेरे वाल साहब ने मुझे याद है कहा कि अच्छा अगर मैं जाऊँगा घर तो मैं, मैं मशवरा करूंगा अगर तुम्हें इधर से ले जा कर लो टोपा ले जाना है तो तुम्हें इधर से सीधा लेके जाऊंगा यह नहीं होगा कि तुम घर जाओगे और फिर उधर जाओगे तो फिर उसमें महीना एक था तो फिर हमने सोचा कि आप जब एक से उधर ही जाना है घर जाना नहीं है तो वो चलता रहा नेवी में भी इसी तरह फिर मेरा भाई आया फर्स्ट टर्म के एंड पे और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं जाके मशवरा करूंगा घर में तो अगर तुमने तो कुछ और करना है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नंबर भी मेरे ऐसे थे आई कुड गो टू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कोई वो मसला नहीं था तो उन्होंने भी फिर वालिद साहब उन्होंने कहा उसको बोलो जो काम कर रहा है उसी के चलने दो तो वो दैट इज़ हाउ आई कंटिन्यूड इन द नेवी तो करियर में बहुत सारे मौके ऐसे आए जब आपको लगता है कि बस अब ख़त्म है लेकिन बहुत अल्लाह का करम ऐसा होता है कि मैं कैरियर का एक बताऊँ आपको कि मैं जब कैप्टन बन गया विच इज नाइनटीन सेवन ठीक है तो जब पहले दिन मैं समंदर पे जहाज को लेके गया तो हमारे एक हादसा हुआ दो बंदे उनकी डेथ हो गई तो अच्छा ऐसे होता है फिर वो बड़ी इंक्वायरी और करना कराते तो साल एक के इस प्रोसेस के बाद मुझे उन्होंने क्लियर कर दिया अच्छा साल के बाद तो ये एक था अदरवाइज आई कोड एम जस्ट फिनिश देयर मतलब उधर हो सकता है या मैं एट यंग एज में मुझे एक बार कराची में ऐसे हो गया कि सांस का मसला होता था अच्छा अच्छा तो फ़ौज में ये भी होता है कि अगर आपके मेडिकल कैटेगरी डाउन हो जाए तो आप नहीं जा सकते तो मैं क्या कहते हैं मुझे एक डॉक्टर हमारे साथी थे वो उनके चचा थे एक बहुत बड़े फिजिशियन उनके पास लेके गए तो उन्होंने चेक शेक करके मुझे कहा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डोंट गो टू योर हॉस्पिटल वरना ये आपको कैटेगराइज का मतलब ये होता है कि लो कैटेगरी एंड यू विल रिटायर एज मेजर ठीक है ठीक तो शुक्र है वो फिर मैं चलता रहा काम और वरना अदरवाइज आई कुट बी प्रॉबेबली बस एज मेजर पे खत्म हो जाता लेकिन अल्लाह ने किया कि आप जी अल्लाह का शुक्र बहुत शुक्रिया